रोको महंगी बांधो दाम के नारे के साथ आज बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि लगातार महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। साथ ही साथ विपक्ष के विधायकों ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कि इसका असर अन्य सामग्रियों पर पड़ रहा है। साथ ही साथ उनका कहना था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का मूल्य जब घट रहा है, तो फिर यहाँ पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी कहा कि बगल के देश नेपाल में, जहाँ भारत के द्वारा ही तेल सप्लाई किया जाता है, वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कम है, जबकि हमारे देश भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में काफ़ी ज़्यादा है बगल के देश से। तो साफ तौर पर आज महंगाई के विरोध में खास करके राजद और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। उनका बस यही मांग है कि जो महंगाई लगातार तेजी से बढ़ रही है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए, जिससे आम जनता राहत ले सके। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, घर की महिला परेशान है, चाहे वो डीजल का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, सारे चीजों पर दाम रोज बढ़ रहा है। और जब इन चीजों पर दाम बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पर होगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है, जनता के हित में, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये जनता को केवल परेशान कर रही है। जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था, उसी तरह ये बीजेपी वाले आए हैं, देश को लूट रहे हैं, एनडीए वाले लूट रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था व्यापार करने के लिए, और इसने कहा हिंदुत्व के नाम पे और देश को कांग्रेस से बचाने के नाम पर लोगों ने वोट दिया कि चलो बदला बदली किया जा सके, लेकिन ये सरकार जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर लिया था, उसी तरह यह बीजेपी और एनडीए के लोग देश में हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने का काम किया है और देश को बेचने का काम किया है और आर्थिक गुलाम ये बना लिया है। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सारा चीज प्राइवेट सेक्टरों को देने का काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, चाहे रेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे कई ऐसे चीज हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ दाम रोज घट रहा है और बगल में आप भारत से जा रहा है नेपाल में, वहाँ डीजल मिल रहा है 45 रुपये और यहाँ मिल रहा है 87 रुपये। तो बताइए, ये लूट नहीं तो और क्या है। इसलिए जनता इस बार लूट को छूट नहीं देगी और बंगाल से इस बार रिजल्ट होगा कि बीजेपी का पैर वहां नहीं जमने दिया जाएगा और ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी वहां पर। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ।